Assalamu alaikum everyone and welcome back to my another vlog. I hope you all are doing well. So आज है रमजान का दूसरा दिन और सहरी का टाइम हो गया है. सो चलते हैं जल्दी जल्दी नीचे और देखते हैं कौन कौन उठा है. सो यहाँ लग गया है दस्तरखान और हम खाएंगे अब सहरी. आज की ये हो गया अब खाना, ये हो गई लस्सी जो कि मस्ट है, और ये हो गई सब्जी टमाटर और चिकन. सो करता हूँ मैं फिनिश, मिलता हूँ थोड़ी देर में. One eternity later. अच्छा हमें थोड़ा काम है, इस वक्त चल रहे हम रास्ते में. आज हम सोच रहे हैं आज हम बनाएंगे कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड. और उसके लिए कल हमने फ्रूट्स लाए थे तो वो अभी भी ऐसे ही है आधे, और हम एक्स्ट्रा बनाना लाएंगे उसके साथ भी. कस्टर्ड अच्छा लगता है. सो अभी कस्टर्ड तो हमने वैसे ज़्यादा बनाया नहीं है, पिछले साल बनाया था रमज़ान में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था. तो आज देखेंगे उसकी रेसिपी पहले, उसके बाद हम ट्राई करेंगे घर में कि कैसा बनता है. Okay, so निकल गए हम वहाँ से, काम हो गया हमारा कंप्लीट. और जो ही हम बाहर निकले बारिश हो गई है स्टार्ट. कल मैंने बोला था आपसे प्रेडिक्शन है, सो आज हो रही है रेनफॉल. सो अभी हमने कुछ सामान नहीं लाया, वैसे आज ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाना है, सिर्फ कस्टर्ड और बनाना लाना है बस. बाकी सारी चीज़ें हमने कल लाई थी. मौसम बहुत खराब हो गया. चलो बारिश हो गई तेज, स्टार्ट रखो इधर ही, निकलो जल्दी. अच्छा अब हमने बनाना और अनार भी लाए कस्टर्ड के लिए. तो अभी कस्टर्ड लेकिन नहीं लाया, अब कस्टर्ड मिलना चाहिए. बारिश बहुत तेज हो रही है देखो, और हवा भी तेज है. A few moments later. तो अब लाऊंगा मैं कस्टर्ड, अब मिलना चाहिए. कस्टर्ड कहाँ पर मिलेगा हमें, ये रही कस्टर्ड. कौन सा ऑरेंज हमें लाना है, वेनिला फ्लेवर. वेनिला फ्लेवर है ही नहीं इसके पास. फाइनली कस्टर्ड मिल गया 10-15 शॉप्स में देख के. तो अब चलते हैं जल्दी से जल्दी घर, असर का टाइम भी हो गया, नमाज पढ़ के बनाते हैं फिर हम कस्टर्ड. One eternity later. चलो अब हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड. पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे, उसके लिए पहले जलाना है हमें गैस. दूध डालेंगे हम, दूध ज़्यादा नहीं डालेंगे. रेसिपी मैंने देख ली है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे. चलो दूध हो गया बॉयल अब अच्छे से, अब इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड. हो गए 2 teaspoon कस्टर्ड के, इसको मिक्स अच्छे से करेंगे और डालेंगे हम दूध में. इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स करेंगे. इसमें ऐड अब इसको और मिक्स करेंगे दूध के साथ. अब इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता.
उसके बाद हम इसमें शुगर मैंने पहले ऐड की, वो मैंने नहीं दिखाया, और मिलता हूँ मैं अब थोड़ी देर में। 2000 years later. अच्छा देखो अब इसको बॉयल आया है, देखो मैं दिखाता हूँ अब कैसे हम इसको चेक करेंगे बना है कि नहीं। देखो इसको करेंगे हम ऐसे, ये होना चाहिए पूरा साफ। ये मैंने इसी पे नेट पे देखा, अपना कुछ नहीं है मेरा। कंसिस्टेंसी चेक करो। नाउ वी विल ट्रांसफर इट इन बाउल। फ्रूट्स कट करेंगे, पहले लाएंगे हम नाइफ। सारे हम कल ही लाए थे फ्रूट्स, एप्पल, ग्रेप्स और ये अनार निकाला पहले ही। इनको हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। क्या फ्रूट्स हमने कट कर लिए, अब इसको हम डालेंगे कस्टर्ड में। ये है बनाना भी, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कस्टर्ड मुझे लगता है कम है ना, जब पहली ट्राई थी हमारी, ऐसे तो लग रहा है अच्छा ही है। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे 20 to 25 मिनट्स। One eternity later. अच्छा इफ्तार का टाइम अब आने वाला है, 10-15 मिनट है। तब तक देखो जुनैन कर रहा है यहाँ से इफ्तारी की तैयारी। ऑमलेट, ये है इसका मिक्सचर ऑमलेट का, ये हम डालते हैं इसमें। देखो क्या इसकी रेसिपी मैं एक दो दिन में शेयर करूँगा। हम करते हैं अब इफ्तारी की तैयारी, जो हमने तैयार किए हैं वो चीज़ हम रखेंगे इधर। इसकी बाउल्स भी लानी है, बाउल्स एक एक करके लाएंगे, इनमें डालेंगे। हो गया हमारा इफ्तार तैयार, तो अब डालेंगे हम कस्टर्ड इसमें। ये डालेंगे हम बाउल्स में। अंदाज़ा चेक कर रहे हो आप मेरा, 4 बाउल्स बराबर निकले हमारे लिए। ये हो गया हमारा इफ्तार तैयार, कस्टर्ड, ऑमलेट, और ये है रोटी, और ये है चिकन समोसा, और ये है दूध। अभी इफ्तारी को है 5-6 मिनट, सो करते हैं वेट। पहले देखेंगे हम कस्टर्ड कैसा बना है। चीनी कम है थोड़ी, लेकिन टेस्ट अच्छा है। अब चिकन समोसा, अब खाते हैं ऑमलेट। तो करता हूँ मैं फिनिश, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। इफ्तार भी कर लिया अच्छे से और नमाज भी पढ़ ली। सो इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।